हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एपी चैप्टर में कुछ आगे क्वेश्चन, जैसे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 एंड 250। कि फोर के मल्टीपल्स कितने हैं, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ फोर बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो कितने हैं, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखो, इसमें क्या है, 10 है। इस छोटी संख्या को आप उससे डिवाइड करोगे जिसका आपको मल्टीपल चाहिए। किसका मल्टीपल चाहिए आपको, 4। तो 4 से डिवाइड करो, 4 टू जा 8, रिमाइंडर आ गया आपका 2। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, छोटी संख्या है जैसे 10, अगर 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 से छोटी हो जाएगी। इट मींस इस रेंज से बाहर हो जाएगी। हमें तो 10 और 250 के बीच में चाहिए, इट मींस 10 से बड़ी और 250 से छोटी। तो 10 में हमें सब्ट्रैक्ट नहीं, क्या करना है, ऐड करना है, ताकि इसके बीच में आए हम। तो क्या ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उसको तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे ऐड करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस 2। अगर 10 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता ना, तो रिमाइंडर को डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ ऐड करना है। ऐड करना है तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं ऐड। तो क्या करना है, रिमाइंडर तो हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होता है, ये चाहे यहाँ पे हो जाओ यहाँ पे, इसमें तो ऐड करना है। तो इसका मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे हम रिमाइंडर को इसमें से, फिर जो आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 2 2। तो फर्स्ट टर्म होगी 12। फर्स्ट टर्म क्या होगी, 12। अब लास्ट टर्म क्या होगी, देखो लास्ट में क्या है, 250। 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 2। अब बड़ी संख्या है 250, अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 250 से बड़ा हो जाएगा, जो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, रिमाइंडर। तो nth टर्म हो जाएगी आपकी 248। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जितने का मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स कितने का है यहाँ पे, 4, तो कॉमन डिफरेंस 4। 5 का मल्टीपल होता है तो कॉमन डिफरेंस 5 हो जाता, जितने का मल्टीपल्स है उतना ही आपका कॉमन डिफरेंस लेना है। अब लास्ट टर्म आपकी ए एन है, वो है 248। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इट मीन्स क्या है, ये लास्ट टर्म है, तो ये फाइंड आउट कर लो कि ये कितने नंबर की टर्म है। तो ए एन को आप लिख सकते हैं a1 + n - 1 × d 248। A1 की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, n माइनस 1 इंटू 4, प्लस का 12 इधर आके माइनस का 236 n माइनस 1। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 4 5 जा 4 9 जा, सो n माइनस 1 इज 59 है, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 59, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस, n इज इक्वल टू 60। इट मींस इस एपी में nth टर्म आपने 248 मानी थी, तो ये कितने नंबर की टर्म होगी, 60 नंबर की टर्म। इट मींस लास्ट टर्म आपकी 60 नंबर की टर्म है, तो इसमें टोटल कितनी टर्म हो जाएंगी, 60। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे, 60। तो आपको ऐसे क्वेश्चन हो, मल्टीपल्स निकालने हो, तो मल्टीपल्स में आपको जो सीरीज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, छोटी संख्या को पहले जिसका मल्टीपल्स है उससे डिवाइड करेंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे, ऐड क्या करना है, रिमाइंडर को जिससे डिवाइड करें उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो उसमें ऐड करना है, वो फर्स्ट टर्म होगी। और लास्ट टर्म क्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसको आप जिसका मल्टीपल चाहिए उससे डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा ना वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी।
और कॉमन डिफरेंस वही होगा जिसका आपको मल्टीपल चाहिएगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे ये बिटवीन हो ना, बिटवीन, तो वही नंबर लेना है जो इन दोनों के बीच में हो। जैसे यहाँ पे 250 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो और ये कंप्लीट डिवाइड होता है, अगर जीरो आता है तो क्या आपकी लास्ट टर्म 250 होती? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो 10 और 250 के बीच में चाहिए, 10 और 250 नहीं चाहिए, इसलिए हम वो 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट करते। हाँ, ये हो 10 टू 250, बिटवीन की बजाय ये हो 10 टू 250, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 भी इंक्लूड है और इसमें 250 भी इंक्लूड है। नेक्स्ट, इसी प्रकार हमने थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, थ्री डिजिट नंबर मल्टीपल्स ऑफ 7 की थ्री डिजिट्स हैं। थ्री डिजिट का नंबर कितने नंबर होंगे जो 7 के मल्टीपल्स हों? तो थ्री डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 से स्टार्ट होती है, और क्या होती है? 999। तो 100 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर होते हैं वो थ्री डिजिट नंबर होते हैं। इट मीन्स 7 के जितने भी मल्टीपल चाहिए वो कहाँ पे होंगे? इन 100 से लेकर 999 तक होंगे, और ये दोनों भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 जो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, छोटी संख्या क्या है? 100। इसको डिवाइड करो किससे? जिसका आपको मल्टीपल चाहिए। 7 से 7 वन जा 7, 3 7 4 जा 28, 2। सो छोटी संख्या है 100, छोटी संख्या में आपको क्या करना है? ऐड, और बड़ी संख्या में सब्ट्रैक्ट। ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे? जो रिमाइंडर आया है पहले उसको 7 में से सब्ट्रैक्ट करो, जो आएगा वो ऐड कर देंगे। 100 प्लस 7 माइनस 2 5, तो फर्स्ट टर्म होगी 105, लास्ट टर्म क्या होगी? बड़ी संख्या 999, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28, 7 टू जा 14, रिमाइंडर आ गया 5। तो बड़ी संख्या में क्या करना आपको? ऐड नहीं करना, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट रिमाइंडर, जो कितना है आपका 5, ये हो गया 994, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट हुई है, ये आपकी अंश टर्म होगी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सही है, जितने का मल्टीपल्स है 7 का मल्टीपल्स है, तो d की वैल्यू होगी 7। अंश टर्म an इज इक्वल टू कितना है? 994। an का फॉर्मूला अप्लाई करो, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 994। a1 की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 7, एन माइनस 1 इंटू 7 प्लस का 105 इधर आके माइनस का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 5 गया 9, 8 एन माइनस 1 इंटू 7, एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 7 वन जा 7 2, 7 वन जा 7 1 बच गया, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा, आपने इसको 7 से डिवाइड किया, n माइनस 1 इज टू 127 है, सो n इज टू कितना होगा? माइनस का 1 इधर आके प्लस का, सो n इज टू 128, n की वैल्यू 128 आ गया। इट मीन्स थ्री डिजिट के नंबर जो 7 से मल्टीपल होंगे वो कितने हैं? 128। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग एपी फिल मिसिंग टर्म इन टर्म्स 5 9 एंड हाफ।
नॉर्मल है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, आपको पता है ये कितने नंबर की टर्म है, फर्स्ट टर्म है 5, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ नंबर टर्म है 9.5, दो टर्म मालूम है, तो a1 तो ये है ही, a4 को आप लिख सकते हो a1 प्लस an4 में से n-1, n किस गया 4, 4-1 3d, 9 to 18 एंड 1 19/2, a1 की वैल्यू कितना है 5 प्लस 3d 19/2, 3d इज इक्वल टू प्लस का 5 इधर आके माइनस का एलसीएम लेंगे 2, 2 5 जा 10, सो 3d इज इक्वल टू 9/2, d इज इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड में कैंसिल होगा, d की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये सेकंड टर्म कितनी होगी, सेकंड टर्म को आप लिख सकते हो a1 प्लस 1d, a1 कितना है 5 प्लस d कितना है 3/2, ऐड करो एलसीएम लेंगे 2, 2 5 जा 10 ऑन 3, 13/2, जिसको आप लिख सकते हो 6.5। थर्ड टर्म कितना होगी, थर्ड टर्म को लिख सकते हो a1 प्लस 2d, a1 आपका 5 प्लस 2 इंटू d, d कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 एंड 3 8, थर्ड टर्म होगी 8, तो ये 6.5 एंड ये 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो, दो टर्म मालूम है तो उन दोनों को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, a1 की वैल्यू आएगी, a1 और d होने के बाद कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a1 पहले से ही था, ये मिसिंग नहीं था, तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टर्म दे रखी थी उसको सोल्व किया, a1 आपके पास ऑलरेडी था, वैल्यू पुट की, d की वैल्यू आ गई, a1 निकालना नहीं, और a1 और d की वैल्यू आने के बाद जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड आउट कर लिया आपने। नेक्स्ट वन, फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन ए पी, a7 b, ये टर्म दे रखी है जो ये एपी के अंदर है, एपी में है तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी में, तो यहां पे आपने a1 देखा कितना है a, a2 सेकंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है b, फोर्थ टर्म है 23, फिफ्थ टर्म है c। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई नंबर मिसिंग हो तो कैसे निकालेंगे, d1 निकालो, d1 इट मीन्स a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस a1, तो ये d1 की वैल्यू आ गई, d2 निकालो, a3 माइनस a2, a3 कितना है b माइनस a2 कितना है 7, ये d2 की वैल्यू आ गई, d3 निकालो, a4 माइनस a3, a2 में से a1 घटाया d1 आ गया, a3 में से a2 घटाएंगे d2, a4 में से a3 घटाएंगे d3, A5 में से A4 घटाएंगे D4, तो A4 कितना आपका 23 माइनस A3 कितना है B, ये D3 की वैल्यू आ गई, इसी प्रकार D4, A5 माइनस A4, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ को घटाएंगे C माइनस 23, ये D4 की वैल्यू होगी। तो इन सभी में वो वैल्यू चेक करो जिसमें एक वेरिएबल कॉमन हो, इसमें भी बी है और इसमें भी बी, इट मीन्स d2 को d3 के इक्वल रखो, ये सीरीज एपी में है तो सभी डिफरेंस वो इक्वल होंगे, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल d4 इक्वल d5, सभी डिफरेंस इक्वल होते हैं, तो d2 और d3 को ही हमने पहले इक्वल क्यों रखा, क्योंकि इन दोनों में बी वेरिएबल है वो सेम है, सो d2 किस गए b माइनस 7, D3 किस गए 23 माइनस बी, ये माइनस का बी इधर आके प्लस का बी प्लस बी, ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का बी प्लस बी, 2b इज इक्वल टू 23 प्लस 7 30, बी इज इक्वल टू ये 2 इधर आके डिवाइड में, सो बी की वैल्यू होगी 15, बी की वैल्यू 15 होगी तो ये कितना हो जाएगा D2,
इट मीन्स डी वन इज इक्वल टू डी टू रखेंगे, इसमें बी है और इसमें ए है, तो बी की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे अननोन अकेला बचेगा ए, तो डी वन आपका सी वन माइनस ए इक्वल में डी टू है बी माइनस सी वन, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आप 15 माइनस सी वन, तो ये हो गया सी वन माइनस ए इजक्वल टू 15 माइनस सी वन 8, माइनस ए इजक्वल टू प्लस का सी वन इधर आके माइनस का, ये बच गया 1, माइनस ए इजक्वल टू 1 है तो ए इजक्वल टू माइनस का 1, साइन चेंज कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। इसी प्रकार C की वैल्यू निकालनी है तो D3 और D4 को इक्वल रखो, D3 इज इक्वल टू D4 क्योंकि D3 में B है, B की वैल्यू आपको मालूम है इसमें C है, 23 माइनस B, D3 किस गए, B की वैल्यू है 15, D4 जो कितना है C माइनस 23, 23 में से 15 गया 8 इजक्ल टू सी माइनस 23, तो सी इजक्ल टू क्या होगा माइनस का 23 इधर आके प्लस का 23, 23 एंड 8 31, सी की वैल्यू कितनी होगी 31, सो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन हो टर्म दे रखी है उनमें कंजिकेटिव टर्म हो एपी की तो अननोन वैल्यू को कैसे निकालेंगे, डी वन डी टू डी थ्री सभी निकालो, और कंजिकेटिव टर्म है एपी की तो ये डी वन डी टू डी थ्री सभी डिफरेंस क्या होंगे इक्वल होंगे, वहां से ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी प्रकार अगर थ्री टर्म दे रखी हो तो उसमें क्या करेंगे हम ऐसे ही करेंगे डी वन डी टू इक्वल टू डी थ्री ये सभी इक्वल होंगे, लेकिन आपके पास ए बी सी तीन टर्म है तो उसको आप डिफरेंस इक्वल जैसे ये रखने की जरूरत नहीं कि पहला डिफरेंस आ गया बी माइनस ए इजक्ल टू सी माइनस बी, ये भी रख सकते हैं और डायरेक्ट बी इसको रख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है कि थ्री कंजिकेटिव टर्म हैं एपी की तो उसकी जो सेकंड टर्म है ना बीच वाली टर्म उस टर्म का ट्वाइस, सेकंड टर्म का ट्वाइस इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल, तो डायरेक्ट यू लिख सकते हो सेकेंड टर्म का ट्वाइस और फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम, कैसे देखो यहां से प्रूव होगा D1 निकाला आपने क्या होगा B माइनस ए, D2 निकाला आपने क्या होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म C माइनस बी, D1 इक्वल टू D2 रखेंगे तो D1 किस गए B माइनस ए, D2 किस गए C माइनस बी, तो माइनस का B इधर आके प्लस का B प्लस बी 2B, ये इधर आके प्लस का A प्लस C, तो हो गया ना 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इट मीन्स अगर किसी AP की कंजिकेटिव थ्री टर्म दे रखी हो वहां पे अननोन वैल्यू है उसको निकालना है तो क्या करेंगे सेकंड टर्म का ट्वाइस और फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम, यू भी कर सकते हैं जैसे इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं हम। के स्क्वायर 4k प्लस 8 टू के स्क्वायर 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर 4k 4, 4। फाइंड दी वैल्यू ऑफ k इफ थ्री कंजिकेटिव टर्म्स आर एपी दीज आर थ्री टर्म्स ऑफ एपी, ये किसी एपी की तीन लगातार टर्म है, k की वैल्यू निकालनी है तो तीन लगातार टर्म है तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको ए वन ए टू ए थ्री है, दो ए वन ए टू एंड ए थ्री आर इन ए पी, सो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो यहां पे ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस में थर्ड टर्म कितना है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस
फोर है ये। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर के स्क्वेयर, टू थ्री जा सिक्स के प्लस सिक्स टू जा ट्वेल्व के स्क्वेयर प्लस थ्री के स्क्वेयर फोर के स्क्वेयर, फोर के प्लस फोर के एट के, एट एंड फोर ट्वेल्व, फोर के स्क्वेयर से फोर के स्क्वेयर कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये इधर आके माइनस का होगा, प्लस का फोर के स्क्वेयर माइनस का फोर स्क्वेयर कैंसिल, यहां पे बच गया, दोनों साइड ट्वेल्व है, ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसिल, यहां पे बच गया सिक्स के इज इक्वल टू एट के, ये इधर आके माइनस, एट माइनस सिक्स टू के इज इक्वल टू, यहां पे बच गई जीरो, सो के इज इक्वल टू जीरो बाई टू जीरो, के की वैल्यू क्या आ गई जीरो। इस प्रकार आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्प्लिट 207 इंटू थ्री पार्ट्स एज दैट दीज आर इन एपी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। ये कहता है कि 207 को थ्री पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि वो तीनों पार्ट एपी में हो और उन तीनों पार्ट के जो स्मॉलर पार्ट हैं उनका प्रोडक्ट 4623 हो। तो ऐसे क्वेश्चन हो, किसी नंबर्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना हो और वो तीनों पार्ट एपी में हो, तो आप क्या मानोगे उन तीनों पार्ट को, पहला ए मान लेंगे ए, और कॉमन डिफरेंस डी मानोगे तो एक तरफ घटाएंगे एक तरफ जोड़ेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। अगर किसी नंबर्स को आपको थ्री फाइव सेवन पार्ट्स में डिवाइड करना है, इट मींस ओड नंबर में डिवाइड करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस वन डिस्पोज करना है, पहली टर्म ए मान लेंगे बीच में, फिर इसमें से वन डी सब्ट्रैक्ट कर दो एक साइड, डी ऐड कर दो, थ्री पार्ट है तो फाइव पार्ट है तो एक डी और सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे और एक डी इधर ऐड कर दो। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनको ऐड करें तो सभी डी कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये इवन नंबर में होते कि टू पार्ट करने हैं फोर पार्ट करने हैं, तो क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस टू डी का रखेंगे, एक तो ए माइनस डी ए प्लस डी, इन दोनों का डिफरेंस टू डी का है। अगर फोर नंबर होते तो इसमें से टू डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा माइनस का थ्री डी, इधर ऐड कर दो थ्री डी। तो ये सभी एपी में होंगे जहां पे कॉमन डिफरेंस 2d होगा, तो इवन नंबर हो तो वहां पे कॉमन डिफरेंस 2d का रखना है, ओड नंबर में है तो 1d का। तो यहां पे थ्री पार्ट करने जो कि ओड है, तो आप ये सपोज करेंगे और ये नंबर है थ्री नंबर्स जो एपी में है, तो इन तीनों नंबर को अगर आप ऐड कर देंगे तो तीनों नंबर का ऐड कितना होगा 207, क्योंकि 207 को भी कोई थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इन तीनों का सम होगा 207, प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल, वन टू थ्री ए इज इक्वल टू 207, ए इज इक्वल टू 207 बाई थ्री, थ्री सिक्स जा 18, थ्री नाइन जा 27, ए की वैल्यू कितनी होगी 69, इट मीन्स फर्स्ट नंबर हो गया 69 माइनस डी, सेकेंड नंबर हो गया 69 एंड थर्ड नंबर हो गया 69 प्लस डी। अकॉर्डिंग कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है कि स्मॉलर टू पार्ट्स का प्रोडक्ट है वो इतना है, तो स्मॉलर टू पार्ट्स हैं ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट है 4623, 69 माइनस डी इज इक्वल टू 69, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में कैंसिल करो, 23 थ्री जा 23 टू जा ये हो गया, थ्री से फिर कैंसिल हो रहा है, थ्री सिक्स जा 18 टू थ्री सेवन जा 21,
60 माइनस डी इज इक्वल टू हो गया 67, माइनस का डी इधर आके प्लस का, इधर बच गया 69, ये प्लस का इधर आके माइनस का, डी की वैल्यू होगी 69 माइनस 67 2। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, आपने ये नंबर पोज किए थे, तो थ्री नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए माइनस डी, ए की जगह 69 माइनस डी, डी की जगह 2, सेकेंड नंबर ए विच इज 69 एंड थर्ड नंबर ए प्लस डी, ए 69 प्लस डी इज 2, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 67, 69, 71, तो 207 के थ्री पार्ट्स क्या होंगे, 67, 69, 71 जो एपी में है, और उनके लोअर स्मॉलर टू पार्ट्स का प्रोडक्ट 4623 होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ थ्री नंबर इज एपी इज 24 एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर इज 194। अब क्यों है, 24 को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है जो एपी में है, तो थ्री पार्ट्स क्या होंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ओड नंबर है तो यही सपोज करेंगे हम। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि इन तीनों नंबर्स के स्क्वेयर का सम, पहले नंबर का स्क्वेयर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वेयर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वेयर, इन तीनों के स्क्वेयर का सम है 194। तो आपने ये नंबर सपोज किए हैं, इन तीनों नंबर का सम कितना है 24, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, पहले इन तीनों का सम करेंगे जो किसके इक्वल है 24 के इक्वल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल, 123a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 बाय 3 8, तो ये नंबर तो हो गया आपका 8 माइनस डी, सेकेंड नंबर 8, a की वैल्यू 8 है, थर्ड 8 प्लस डी, ये तीन नंबर हो गए जिसमें अननोन बचा है केवल d। अब इस कंडीशन के अंदर आएंगे हम अकॉर्डिंग कंडीशन, कंडीशन ये है कि तीनों पार्ट के स्क्वेयर का सम, तो पहला नंबर है 8 माइनस डी, इसका स्क्वेयर प्लस सेकेंड है 8 इसका स्क्वेयर प्लस थर्ड वन है 8 प्लस डी इसका स्क्वेयर, और इन तीनों के स्क्वेयर का सम इज इक्वल टू है 194। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वेयर अप्लाई करो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, 8 का स्क्वेयर 64, यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, माइनस का 16d प्लस का 16d कैंसिल, डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 2d स्क्वेयर इजक्वल टू 194। यहाँ पे 64 है थ्री टाइम, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 194, माइनस का 64 थ्री टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 192, तीनों माइनस का है तो साइन माइनस का होगा, तीन संख्या को ऐड किया तो आ गया 192, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 194 माइनस 192 2, d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 2 कैंसिल, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में लिया जाएगा, तो d की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 होगा, एक बार प्लस 1 लेंगे और एक बार माइनस 1, तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सो थ्री नंबर आर 8 माइनस d, d की जगह 1, पहले आप प्लस 1 ले रहे हैं d की जगह, जो कितना होगा 7, सेकेंड है 8, 8 प्लस 1, ये हो गया 7, 8 एंड 9, थ्री पार्ट्स होगी। जब d की वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो ये क्या होगा, नंबर सात 8 माइनस डी, डी की जगह माइनस 1, सेकेंड नंबर 8 एंड थर्ड नंबर 8 प्लस डी, डी की जगह माइनस 1, माइनस माइनस प्लस तो 8 प्लस 1 9।